सतना से है, जहां फर्जी फायर एनओसी बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पूरी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन कर फर्जी एनओसी बनाई जा रही थी। आरोपी खरगोन जिले का है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पैसे लेकर फर्जी फायर एनओसी बनाने का काम करता था। मामले में दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जिनकी संलिप्तता इस मामले पर पाई गई है। आपको बता दें कि जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद सतना जिला प्रशासन हरकत में आया था और जिले के तमाम अस्पतालों की जांच पड़ताल की गई थी, जिसमें सतना के समरेटन अस्पताल द्वारा फर्जी फायर एनओसी जिला प्रशासन को दी गई। वहीं से मामले ने तूल पकड़ा और आज पुलिस ने इस फायर एनओसी का पर्दाफाश किया है। जबलपुर के एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद सतना जिला प्रशासन हरकत में आया और सतना जिले के तमाम निजी अस्पतालों की जाँच पड़ताल की गई। जांच में पाया गया है कि ऐसे 43 अस्पताल हैं जिनके पास ना तो फायर एनओसी है और ना ही फायर सेफ्टी से संबंधित कोई उपकरण। यानी कि ऐसे में यदि किसी प्रकार की घटना अस्पताल में होती है तो स्थिति को काबू करने के लिए अस्पतालों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा जिला प्रशासन ने सख्ती से इन सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी की व्यवस्था करने के लिए दबाव बनाया। इस दौरान सतना के समरेटन अस्पताल द्वारा फायर एनओसी जिला प्रशासन को दी गई। जांच करने पर वह एनओसी पूरी तरह से फर्जी पाई गई, लिहाजा इस फर्जी फायर एनओसी की जांच पड़ताल की गई। पुलिस ने मामला कायम किया और फायर एनओसी बनाने वाले आरोपी को ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा, जो कि खरगोन जिले का रहने वाला है, पैसे लेकर फर्जी तरीके से फायर एनओसी बनाता है। सतना के समरेटन अस्पताल की फायर एनओसी भी उसी व्यक्ति ने बनाई थी। पुलिस ने प्रमोद विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यही नहीं, समरेटन अस्पताल के प्रबंधक जस्टिन वीडी और पीआरओ फादर पॉल वर्गीज को सह आरोपी बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन हेलो के तहत जो भी गुमे हुए मोबाइल हैं उसको सतना पुलिस ने लगातार जो है ढूंढने की कोशिश करी है। आज प्रथम चरण में करीब 70 मोबाइल, जिसकी अनुमानित कीमत 10.5 लाख रुपए है, उसको बरामद किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। ये मोबाइल गुमे हुए थे, इनको जो है दस्तयाब करके बारीकी से बरामद किया गया हमारी साइबर टीम। सतना के अलावा भी अन्य जगहों से बरामद किए गए? सभी जगहों से इसको बरामद किया गया। पहले ही इसमें जो फर्जी फायर एनओसी का एक बड़ा रैकेट जो है यहाँ पर पकड़ा गया है, इसमें अपराध 420, 467, 468 का पंजीबद्ध किया जाता है विवेचना के लिए। इसका जो मुख्य आरोपी है वो खरगोन जिले का प्रमोद विश्वकर्मा है, उसको गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड में उसे सरगर्मी से जब पूछताछ की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। इसमें जो उनके पीआरओ हैं पॉल वर्गीस और सैमरेटन हॉस्पिटल के प्रबंधक फादर जस्टिन बेडी, उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई, उनको भी आरोपी बनाया गया। साथ ही साथ में 5 अन्य जो स्कूल हैं जो इनके अंडर में हैं और वो इसका मैनेजमेंट देखते हैं, उन सभी स्कूलों के जो रिन्यूअल हुआ है फायर एनओसी का, वो भी फर्जी तरीके से हुआ है, उसको भी जो है जाँच में शामिल किया। इसमें जब भी कहीं पर भी कोई भी घटना हो जाती है तो वहाँ पर आग लग जाती है तो उसको रोकने के लिए ही उचित व्यवस्थाएं और प्रबंध जो है संबंधित संस्था को करने चाहिए, परंतु उनके द्वारा ऐसे ना किया जाकर वहाँ पर एक फर्जी एनओसी जो है वो प्राप्त कर ली गई, तो ये काफ़ी जो है गंभीर मामला है।